हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक यूनिक सा वॉल डेकोर बना रही हूँ, एक पिचवाई पेंटिंग बना रही हूँ। वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नॉर्मली मैं डीआईवाई वेस्ट से बनाती हूँ, यहाँ थोड़ा हटके बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पिचवाई जो डिज़ाइन ऑनलाइन से डाउनलोड करके ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस की है। यहाँ मैं 12x12 का दो और 16x12 का एक कैनवास ली है। इसके ऊपर मैंने एक्रिलिक कलर से एक कोट करके उसके बाद ट्रेसिंग की है डिज़ाइन को। और सिंपली पेंटिंग करना मुझे पसंद नहीं था, इसके लिए मैंने एक पैकेट का 20 रुपए का मोल्डेड क्ले मिलता है क्राफ्ट शॉप में, उसे लेकर मैंने यहाँ पेटल्स बनाए हैं। आपको पता ही होगा क्ले में दो पीस आता है, एक रेजिन है एक हार्डनर है। दोनों को बराबर लेके हमें ठीक से मिक्स करना है। मिक्सिंग नहीं होगा और एक ज़्यादा एक कम होगा तो वो ठीक से सूखेगा नहीं, इसलिए बाद में पेटल को थोड़ा गीला पानी से हमें स्मूदिंग करना है ताकि एक फिनिश्ड लुक आ जाए। और यहाँ मैं क्ले टूल से डिटेलिंग भी की है। आपके पास टूल नहीं है तो रीफिल पेंसिल या नीडल स्पून से कर सकते हो। और पता ही होगा आपको पिचवाई पेंटिंग मतलब लोटस, लोटस के पत्ते, लोटस का सीड और एक गाय भी होता है। गाय का सिंग और ज्वेलरी में क्ले से बना रही हूँ। यहाँ एक या दो घंटे सूखने देना है। सूखने के बाद दो कोट वाइट एक्रेलिक कलर से मैंने पेंटिंग की है 3D वर्क के ऊपर। ये दो कोट जरूरी है, नहीं तो क्ले थोड़ा दिखेगा, छुपेगा नहीं ठीक से। ये वाइट पूरा सूखने से पहले ही थोड़ा पिंक कलर लेके मैंने इसे शेडिंग की है। पूरा सूखने के बाद शेडिंग ठीक से नहीं आएगा, इसके लिए सूखने से पहले ही हमें करना है। आप भी बनाइए, बहुत ही ईजी है। और ये घर में आप अगर पूजा मंदिर में स्पेशली इसे सजाएंगे तो एक डिवाइन लुक आएगा और पॉजिटिव वाइब्स आएगा घर में। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मेरे पूजा मंदिर की वॉल पे भी मैंने इसे ही 3D का एक पेंटिंग बनाई है, देख लीजिए ज़रूर। ये लोटस का काम पूरा होने के बाद मैंने लीफ के ऊपर ध्यान दी है। लीफ के लिए मैंने डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का एक्रेलिक कलर ली है, उसके साथ थोड़ा येलो कलर भी की है। लीफ के और सीड के बॉर्डर को और ऊपर की पोर्शन को मैंने डार्क कलर से पेंटिंग की है। अंदर जो मैंने लाइट ग्रीन कलर से थोड़ा येलो मिक्स करके पेंटिंग की है। शेडिंग बहुत ही बढ़िया लुक को देता है किसी भी पेंटिंग को। बाद में लाइट कलर के ऊपर थोड़ा डार्क कलर से स्ट्रोक दी है ताकि थोड़ा डेप्थ आ जाए पेंटिंग में। और स्टैम्प को भी मैंने ग्रीन कलर से पेंट की है। कलर थोड़ा ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ कलर का नंबर कुछ मेंशन नहीं की है। मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब ना की हो या पहली बार विजिट कर रहे हो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले।
रेगुलरली मैं वेस्ट से डीआईवाई डेकोर्स बनाती रहती हूँ और ऐसे चीज बनाती हूँ तो वो भी थोड़ा कम बजट वाला ही बनाती हूँ। इसके लिए आप सबका सपोर्ट ज़रूर चाहिए, तो चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ मैं गाय भी बना रही हूँ। गाय को सिंपली ब्लैक कलर से आउटलाइन करके थोड़ा व्हाइट में ब्लैक मिक्स करके डेप्थ दी है। बाद में लीफ और सीड के बॉर्डर पे मैंने गोल्डन कलर से डिजाइन की है और गाय के ज्वेलरी को भी गोल्डन कलर से पेंटिंग की है। देखिए लीफ के और सीड के ऊपर थोड़ा डॉट्स बनाई है मैंने 3D आउटलाइनर से, गोल्डन कलर के आउटलाइनर से। यहाँ गोल्डन कलर का पेंटिंग करना मस्ट है क्योंकि ये थोड़ा डिवाइन लुक वाला पेंटिंग है, इसीलिए बॉर्डर को गोल्डन कलर से पेंट की है। मेजरमेंट ज़रूर है, नहीं तो एक ज़्यादा एक कम हो जाएगा इसके लिए। और इसके ऊपर और थोड़ा पेंटिंग को डेप्थ देने के लिए, नहीं तो उबर के आएगा, इसके लिए मैंने एक स्ट्रिप ब्लैक कलर का बॉर्डर भी दी है। इससे हमारा पेंटिंग जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। बाद में मैंने थोड़ा हाथ में गोल्डन एक्रेलिक कलर लेके ऐसे टच दी है फ्लावर और लीफ के ऊपर। और पूरा सूखने के बाद एक कोट वार्निश ज़रूर अप्लाई कीजिए ताकि हमें धूल और मिट्टी से, पानी से प्रोटेक्शन मिले। और यहाँ मैंने हुक्स लगाए हैं और नीचे जो वो ऊपर नीचे हो जाएगा हुक लगाने से, इसके लिए एक छोटा छोटा बॉल लेके मैंने एयर ड्राई क्ले का बॉल से स्टिक की है। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।